कसम से बैठ जाइए नारा लेके चले जाऊंगा भैया भाई जा रहे हम मैं जाऊं तो बैठो बैठो अगर चाहते हो कि मैं रुकूं तो बैठो इतने दूर से मैं भी आया हूं सबको छोड़ के सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए मुझे भी शौक नहीं है कि मैं आऊं और आप शरीर दिखा के चला जाऊं बैठ जाओ अगर बैठ जाओगे तो शायद ये कार्यक्रम हो पाएगा नहीं बैठोगे तो मैं चला जाऊं मैं जा रहा बैठ जाओ फिर बैठो आप बैठो एक दूसरे जो पीछे है वो आगे वाले को बैठाए जो पीछे है ना वो आगे वाले को पकड़ के बैठाए जो पीछे हैं वो आगे वाले को पकड़ के बैठाए उसको क्या हो गया गर्मी फीट उठोग आ गया होगा यार गर्मी है ना थोड़ा सा एक मिनट उस बच्चे को उठा लीजिए उस भाई को उठा लीजिए ओ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है होता है चक्कर आ जाता है उनको उठाइए एक बार बैठ जाइए थोड़ा सा इधर साउंड है अगर आप लोग धक्का करेंगे साउंड नुकसान हो जाएगा और साउंड अगर नुकसान हुआ हाँ थोड़ा सा प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दीजिए लोग ऐसे नहीं बैठ पाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा बढ़िया सा ध्यान दे दीजिए लोग बैठ जाएंगे थोड़ा सा सब लोग ध्यान दे देंगे ना तो लोग बैठ जाएंगे उधर से भी कुछ प्रशासन लगा दीजिए थोड़ा सा लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता है ना कि कार्यक्रम बर्बाद हो जाता है थोड़ा सा पीछे हो जाओ आराम से बैठा दीजिए आराम से सबको बैठा दीजिए ऐ डंडा ऐसे मत खा जी ना तो कहीं ढुक जाएगा हाँ सब लोग मुंह बाके बैठा है ढुक जाएगा हेलो बाबू तुम लोग ऐसा करे तो प्रोग्राम बंद कर देते पीछे बहुत जगह है पीछे जाना पुलिस का रिक्वेस्ट है कुछ भी हो तो मुश्किल हो जाता सब लोग पीछे जाना नहीं तो प्रोग्राम बंद हो जाता सर अब मैं बैठा दूंगा अब बैठा दूंगा धीरे धीरे कार्यक्रम होगा तो हो जाएगा क्या हुआ थोड़ा सा गर्मी लग गया होगा थोड़ा सा गर्मी लग गया होगा इतने सारे दबाया होगा ना उनको उठा लो दो चार लोग मिलके अपने अपने लोगों को किसी को भेज दीजिए वो गर्मी की वजह से हुआ उठाओ उसको उठाओ अरे बाबू तुम पीछे जाना अच्छा तुम लोग पीछे जाना ले लिया होगा बिहार में जो बंद है उधर चालू है ना मार लिया है काम से ए बाबू बैठो पीछे जाना थोड़ा सा पीछे होके बैठो ना सब लोग बैठ जाओगे यार अगर बैठोगे तो सब लोग बैठ जाओगे और किसी को कोई धक्का धुकी नहीं होगा बैठ जाओगे तो धक्का धुकी नहीं होगा नहीं बैठोगे एक दूसरे को धक्का धुकी करते रहोगे आप जब तक नहीं बैठोगे मैं नहीं गाऊंगा मैं उधर बैठता हूँ बाबू उठाओ जी उसको उठाओ मैं केसरीलाल यादव को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रोग्राम शुरू कर सकते थैंक यू सर दयचे अंदर एनका कोवाले प्लीज अंदर एनका कोवाले सिंगर ओकड़े कलवड़े प्लीज ये मन को दयचे अंदर एनका कोवाले అందరూ దయచేసి ఆయన రిక్వెస్ట్ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ వాళ్ళందరు కిందికి పోవాలి ప్లీజ్ ఏమనుకోద్దు అందరు కిందికి పోతే ప్రోగ్రామ్ మంచి సక్సెస్ అవుతుంది నేను గిట మై ఆఫ్ 30 మినిట్ రైకే మా చెల్లెత్తు ఎలక్షన్ మునుగోడుగా ఎలక్షన్కి బా జిమ్మదారి మా జానే వాళ్ళము ప్రోగ్రామ్కు సక్సెస్ కరణ బై థ్యాంక్ యూ I love you! मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं आप सबसे कि हमारे महिपाल रेड्डी जी ने आज इतना बड़ा कार्यक्रम आप सबके लिए किया है तो आप अगर प्यार से ऐसे ही देखोगे प्यार से बैठ के देखोगे तो भाई हम जब तक चाहोगे तब तक गाएंगे आप लोग ऐसे हंगामा करोगे तो प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता किसी पे अगर लाठी चलती है तो आप पे नहीं वो खेसरिया पे चलती है और मैं मकसूदन भैया मकसूदन रेड्डी हमारे महिपाल रेड्डी जो कि यहाँ के विधायक हैं
मैं संदीप भाई ने बहुत तारीफ की थी महिपाल रेड्डी जी का जब मैं गोरखपुर में शूट कर रहा था अपनी सिनेमा तो, और मैं आकर यहाँ देखा तो मैं बहुत सारे शहरों में गया हूँ लेकिन इतना अपने उत्तर भारतीयों का हेल्प करने वाला पहला ऐसा लीडर देखा मैंने। तो दिल से थैंक यू इस पूरे तेलंगाना को, हैदराबाद को। ऐसे में हैदराबाद में कई सारी फिल्में शूटिंग किया हूँ बट कार्यक्रम मेरा पहली बार हो रहा है। अरे भाई के जरा तामू है मैं जरा बका रहा स्वागत हो गई हमार अब कते हजार के स्वागत करबो। अरे दादा बस अब इसको जलाना आप बंद कर दीजिए ठीक है, इसका काम हो गया है, हमारी स्वागत भी हो गई, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, दिल से थैंक यू। अरे महिपाल रेड्डी जी को मैं दिल से धन्यवाद, हमारे पूरे प्रशासन को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना कॉपरेट किया। एक बार आप लोग बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, हेलो हेलो, एक बार बैठ जाइए नहीं तो ये साउंड से लेकर हर सिस्टम बर्बाद हो जाएगा और ये कार्यक्रम अभी बंद करना पड़ेगा। तो जिसके लिए मैं आया हूँ मैं करके नहीं जाऊंगा, प्लीज आप लोग अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो बैठ जाएंगे, प्लीज अगर आप उससे प्यार करते हैं तो बैठेंगे, प्लीज एक बार अपना परिचय दे दीजिए कि आप लोग कितना प्यार करते हैं खेसरिया से, एक बार बैठ जाओ, एक बार बैठ जा, बैठ कर दिखा दो कि हाँ खेसारी को कितना चाहते हो, बैठो एक बार बैठ जाओ भाई मेरे, प्लीज आप लोग बैठ जाएंगे तो ये सारी सिस्टम अच्छी हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो रहा है, प्लीज प्रशासन आखिर लाठी चलाएगा, ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा, इसलिए बैठ जाओ प्लीज। पहले मैं चाहता हूँ ना कि पहले आगे के लोग बैठे तो पीछे वाले अपने आप बैठ जाएंगे, आप प्लीज बैठिए ना, देखिए तो इधर भी तो लोग हैं, यही लोग बनावल रोटी खा के तरह लोग इतना उखम हो जाता है, बताइए जो हाथ रोटी बनाता है वो कितने शांति से आप लोगों को देख रहा है, खेसारी को एंजॉय करने के लिए आया और आप लोग ऐसे कर रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, हाथ में जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ प्लीज। मैं जानता हूँ कि थोड़ी जगह कम पड़ रही है, अगली बार महिपाल सर अगर अगली बार कार्यक्रम कराइएगा तो इसे कम से कम चार गुना बड़ा रखिएगा, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा प्रशासन को कॉपरेट करिए, आप लोग अपने राज्य को छोड़ के इस राज्य में आए हैं और इस राज्य की गरिमा बना के रखना हमारा दायित्व बनता है। एक ऐसा आदमी महिपाल रेड्डी जी जैसा आदमी की जो आप लोगों को इतना प्यार देते हैं उनके प्यार को बर्बाद मत करिए, प्लीज एक बार बैठ जाइए प्लीज। थोड़ा पीछे जाना, पुलिस का रिक्वेस्ट क्या है बोलो तो, पीछे जाना आप लोग, पीछे जाना, सबको दिख रहे ना आप लोग, थोड़ा पीछे जाना, हम खुद ही आगे आ गए, आप लोग एक बार थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाइए प्लीज, नहीं तो मैं चला जाऊं, अगर नहीं बैठेंगे तो मैं 10 गिनूंगा, 10 के बाद यहां से चला जाऊंगा, एक दो तीन चार पांच, पक्का मैं कह रहा हूं चला जाऊंगा, छह सात आठ जय नौ, प्लीज प्लीज बैठा लो पीछे भी, वो पीछे भी, सबको बोल रहा हूँ, सब लोग बैठेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बैठ के देखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू। सबके रेवा लोग इनके भी प्रणाम कर रहा था नहीं, प्रेम से बोली छठी मैया की। चलिए हम अभी